नमस्ते बच्चों, तो हमने क्लास 8 का साइंस का 10 नंबर यूनिट सेल एंड सेल ऑर्गेनाइज स्टार्ट किया था। इसमें आज हम बात करेंगे वैक्यूल्स के बारे में। देखिए वैक्यूल्स क्या होता है। वैक्यूल जो होता है ना, देखिए एक एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये सेल के अंदर होता है, सारे हम सेल ऑर्गेनाइज पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे हमारा घर होता है, घर के अंदर एक रूम हम बनाते हैं, स्टोरेज रूम। अब स्टोरेज रूम के अंदर, स्टोरेज रूम यानी ऐसा एक रूम होता है जिसमें यूजफुल भी मटेरियल होता है और कुछ जो यूजफुल नहीं है, वेस्ट मटेरियल है, वो भी हम वहाँ पर रख देते हैं। बहुत बड़ा घर है, छोटा भी घर है, तो हम छोटा सा एक स्टोरेज रूम बनाते हैं ताकि उसमें कुछ यूजफुल और जो यूजफुल ना है उसको भी भर के रख देते हैं। तो वो जो स्टोरेज रूम है ना, वही सेल जो होता है हमारा, ठीक है। तो सेल के अंदर जो स्टोरेज रूम होता है, स्टोरेज रूम को ही हम क्या बोलते हैं, वैक्यूल्स। यानी इसके अंदर जो अच्छी चीज़ें कुछ जो कभी काम में आ सकती है और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट, ये सारा का सारा जो है वो स्टोर रहता है। समझ में आ गया। वैक्यूल जब भी बोला जाएगा सेल के अंदर, तो आपको याद आना चाहिए कि हाँ, वो स्टोरेज रूम होता है जिसके अंदर मटेरियल होता है, सॉलिड और लिक्विड मटेरियल होता है, जो कुछ काम का होता है, कुछ वेस्ट होता है, कुछ यूजफुल होता है। इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं क्या। देखिए ये ना सिंगल से मेम्ब्रेन होता है, इसके कोई बहुत इसकी डायग्राम नहीं है। आप किसी भी ऐसा शेप निकाल सकते हैं, ऐसा निकाल सकते हैं, ऐसा निकाल सकते हैं, ऐसा निकाल सकते हैं, क्योंकि ये अपना शेप चेंज करता है अकॉर्डिंग टू द नीड। उसको जैसी नीड है, जैसा हमारा पेट है, पेट जब हम भूखे होते हैं, खाना नहीं खाया होता है, तो पेट अंदर जाता है। जैसे बहुत खाना खा लिया, पेट फूल जाता है। तो उस प्रकार से जैसा हमारा, हमने बहुत एक्सरसाइज की तो सिक्स पैक बन जाती है, तो उस प्रकार वो अपना जो है वो शेप एडजस्ट कर सकता है। उसी प्रकार ये वैक्यूल जो होते हैं, वो अपना शेप जो है वो कुछ परफेक्ट शेप नहीं होता कि ऐसा ही रहेगा। वो अपना शेप जैसी सेल की नीड होती है उस प्रकार खुद को एडजस्ट करता है। सिंगल मेम्ब्रेन होता है, यानी एक ही मेम्ब्रेन से बना होता है, ऐसी कुछ दो चार मेम्ब्रेन, ऐसी मेम्ब्रेन नहीं होती। नो स्पेसिफिक शेप एंड साइज, उसका कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है। दे कैन चेंज देयर शेप एंड साइज एज पर द नीड ऑफ सेल। जैसी सेल की नीड होगी उस प्रकार से वो जो है अपना शेप जो है वो चेंज करता है। अब प्लांट सेल की बात करें, तो जब हमने स्टार्टिंग में जब प्लांट सेल देखा था, तो हमने देखा था कि प्लांट सेल के अंदर एक बीच में ऐसा एक लार्ज वैक्यूल था। यानी प्लांट सेल में सिंगल होता है, एक ही लार्ज वैक्यूल्स होता है। पर एनिमल सेल की बात करें, तो एनिमल सेल में से छोटे छोटे जो है वो स्मॉल एंड मिनी वैक्यूल्स होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये क्या करता है, ये स्टोरेज सैक है। स्टोरेज सैक, जैसे मैंने बताया ना कि एक रूम होती है हमारे घर में स्टोरेज करने की, तो ये स्टोरेज सैक है। इसमें लिक्विड और सॉलिड कंटेंट जो है वो स्टोर फॉर्म में रहता है। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। सिंगल मेम्ब्रेन होती है, खुद का शेप साइज नहीं होती, वो अपना शेप साइज अकॉर्डिंग टू द सेल वो चेंज करता है कंडीशन के अनुसार। प्लांट सेल में सिंगल सेल वैक्यूल होता है, एनिमल्स में स्मॉल होते हैं और मिनी होता है। और स्टोरेज सैक है फॉर सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट, यानी इसके अंदर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट जो है वो स्टोर रहता है। समझ में आ गया। अब बात करते हैं इसके फंक्शन की, बात क्या करता है। देखिए फंक्शन यानी ये ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। ये सेल है पूरा, तो सेल के अंदर ये प्रेशर को कम ज़्यादा करता है। यानी अगर कोई चीज़ ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी क्या होता है, ऑस्मोसिस की प्रोसेस। ऑस्मोसिस की हमने देखा, कुछ चीज़ें अंदर आ रही, बाहर आ रही है, ठीक है। तो अगर प्रेशर ज़्यादा हो गया तो वो कुछ चीज़ों को बाहर छोड़ेगा, प्रेशर कम हो रहा है तो अंदर लेगा। तो इस प्रकार से वो क्या करता है, मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सेल। सेल के अंदर का ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। समझ में आ गया। जैसे हमारा पेट है, तो पेट में अगर हमने ज़्यादा खा लिया, कम खा लिया, तो गैसेस बनता है, गैसेस से थोड़ा जो है वो हमें रिलीफ मिल जाता है, तो वो प्रेशर एडजस्ट करने का है ना। उसी प्रकार गाइस, एग्जांपल थोड़ा डेंजर हो गया, पर उसी प्रकार से जो है वो ये जो वैक्यूल्स होते हैं वो सेल के अंदर ऑस्मेटिक प्रेशर को मेंटेन करते हैं। दूसरा क्या है, टू स्टोरेज द मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट एंड एंड प्रोडक्ट। यहाँ पे जो है इसके अंदर एंड प्रोडक्ट, जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती है सेल के अंदर, तो उसमें से जो एंड प्रोडक्ट निकलता है, एंड प्रोडक्ट यानी जो लास्ट वाला, और बाय प्रोडक्ट यानी एक दूसरा प्रोडक्ट निकलता है कुछ कुछ। जैसे हम बटर बनाते हैं, बटर यानी जो अपना क्या बोलते हैं बटर को, मक्खन। तो मक्खन बनाते वक्त बटर मिल्क भी निकलता है, छाछ निकलता है। तो छाछ क्या है, इसका बाय प्रोडक्ट है, ठीक है। तो उसी प्रकार जो बाय प्रोडक्ट निकलते हैं या फिर एंड प्रोडक्ट यानी रिएक्शन खत्म हो जाने के बाद जो चीज़ें निकलती है, वो सारा का सारा जो है वो स्टोर रहता है यहाँ पे। जैसे मैंने बोला कि स्टोरेज सैक, सॉलिड लिक्विड यानी एंड प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट इसमें स्टोर होता है। जैसे यहाँ पे दिखा है ग्लाइकोजन है, प्रोटीन है, वाटर है, ये यहाँ पे स्टोर होता है। तीसरा एनिमल सेल में दे स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट एंड फूड। एनिमल सेल के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट एंड फूड यानी यूजफुल प्रोडक्ट, ठीक है। व्हाइल इन अमीबा स्टोर्स फूड बिफोर डाइजेशन, और अमीबा में इसमें क्या होता है, फूड स्टोर होता है डाइजेशन के लिए जो यूज किया जाता है।
यानी एनिमल सेल के अंदर इसको वेस्ट और जो यूजफुल प्रोडक्ट है वो इसमें स्टोर होते हैं, और प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल्स आर फुल विथ सेल सैप। सेल सैप यानी क्या है, एक फ्लूइड है, लिक्विड है जिससे भरा होता है, इसकी वजह से इसको टर्जिडिटी आता है, यानी फुगीर होता है ऐसा बलून की जैसा प्लांट ऐसा आपको दिखता है कि भाई फूला हुआ है, तो टर्जिडिटी और जो रिजिडिटी यानी कड़कपना आता है उसको, एकदम कड़कपना वो किससे आता है, क्योंकि इस वैक्यूल्स में कुछ फ्लूइड जो है सेल से आप यानी क्या फ्लूइड है वो फील होते हैं, और उसकी वजह से इसको जो है वो रिजिडिटी और टर्बिडिटी टर्जिडिटी जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो ये गाइस वैक्यूल्स के बारे में समझने की कोशिश की, क्या इसका फंक्शन है और कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट इसमें हम प्लास्टिड के बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।